नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाएंगे। एक बार आप टमाटर की चटनी मेरे तरीके से बनाकर देखिए, आपकी चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए टमाटर की चटनी बनाते हैं। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 पके लाल टमाटर, चीनी, 10-15 किशमिश, 1 चम्मच चिरौंजी, 1/4 चम्मच पंचफोरन, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, नमक, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 3-4 कली लहसुन को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट कर लिया है। तो चलिए टमाटर की चटनी बनाते हैं। अब सबसे पहले किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे ये टमाटर और इसमें सिर्फ 5 मिनट रहने देंगे। टमाटर को बॉयल करते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और टमाटर को निकाल लेंगे। टमाटर को निकाल कर इसका छिलका हटा लेंगे। छिलका हटाकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काट कर ही चटनी बनाएंगे। टमाटर का छिलका हटाकर उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अब डालेंगे ये पंचफोरन, साबुत लाल मिर्च और ये बारीक टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन, ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इनको 2-3 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ टमाटर। अब अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस टमाटर को ढककर 5 मिनट पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर ढककर टमाटर को 5 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो चीनी बढ़ा सकते हैं। और अब चीनी को मिला लेंगे। और अब डालेंगे ये चिरौंजी, किशमिश और 1 चुटकी नमक और ये लाल मिर्च पाउडर। अब सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2-3 मिनट और पकाएंगे। दो तीन मिनट पकाने के बाद चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार इस तरीके से टमाटर की चटनी आप जरूर बनाइएगा। आपको यह तरीका बहुत पसंद आएगा। इस तरह से आपकी चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी।